I'm gonna kill the bitch. I'd like you to know that I'm against this idea. Noted. We could do it my way. So what do we need to do your idea? Marianne Baslin, wherever you are, whatever the distance, I command you with these words. By the power given to me from the knowledge of your true name, Marianne Baslin, I command you with these words. Well, that didn't work. What? Marianne Baslin, speak! तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैरियन वेब सीरीज के एपिसोड 6 मेमोरीज को। पर वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी मैरियन वेब सीरीज की लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइए। तो अब इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है एमा, सैबी और इंस्पेक्टर रोनन को दिखाते हुए, जहाँ पे इंस्पेक्टर रोनन बताता है कि उसने मैरियन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है और अब वो जानता है कि मैरियन को हराना कैसे है। अब इंस्पेक्टर रोनन बताता है कि जब एमा की लिजी लार्क की पहली बुक रिलीज हुई थी तो उस बुक के चैप्टर नंबर 16 में टॉम नाम के एक लड़के को उसकी माँ ने बाथटब में डुबाकर मार डाला था, क्योंकि उसकी माँ मैरियन के द्वारा पोजेस्ड थी। और उस बुक के रिलीज होने के बाद एक माँ अपनी कार में अपने बच्चे को लेके गई और अपनी कार को पानी में डुबा डाला, और फिर उसके बाद माँ तो बाहर कार से निकल गई पर वो बच्चा पानी के अंदर डूबकर मर गया। और फिर जब लिजी लार्क की दूसरी बुक रिलीज हुई तो उसमें मैरियन ने एक भालू को पोजेस कर लिया था और बहुत सारे कैंपर्स को मार डाला था। और फिर बुक के रिलीज होने के बाद रशिया में एक भालू पागल हो गया और एक पूरी फुटबॉल टीम को खा गया। उस हादसे के बाद सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा, जिसने बताया कि वो भालू बात कर रहा था। और फिर जब लिजी लार्क की थर्ड बुक एमा ने लिखी तो उसमें चैप्टर 3 में एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स को मार दिया था। और उस बुक के रिलीज होने के बाद जापान में एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स को मार दिया था और उसने मर्डर के बाद ये बताया कि उसने मैरियन को खुश करने के लिए ये सब करा। और फिर जब लास्ट में मैरियन की फोर्थ बुक का प्रीव्यू एमा ने ऑनलाइन अपनी साइट पर रिलीज किया तो एल्डन में 5 बच्चे खुद को फांसी पर लटकाने के लिए चल दिए। अब ये सारी चीज़ें जब एमा को पता लगती हैं तो एमा समझ जाती है कि मैरियन ने उसका यूज़ करा ताकि वो दुनिया में खौफ फैला सके, और जो भी एमा लिख रही थी वो सब सच हो रहा था। और एमा को लगता है कि ये सब उसकी गलती है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब एमा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है पर इंस्पेक्टर रोनन आकर उसे बोलता है कि मैरियन तुम्हारा यूज़ कर रही थी और अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम बुक को आगे नहीं लिखोगी। अब एमा को समझ नहीं आता कि मैरियन एमा के पीछे बचपन से क्यों पड़ी है, और इस बात का जवाब जल्दी ही हमें सीरीज में पता चल जाएगा। अब वहाँ पे सैबी आता है और एमा को बोलता है कि अगर तुम अपनी बुक में ये लिखो कि मैरियन ने सैबी को उसका बच्चा वापस कर दिया और फिर तुम मैरियन को अपनी बुक के अंदर ही मार डालो तो शायद मैरियन ख़त्म हो जाए। अब एमा को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो जाके अपनी बुक में मैरियन को मारना शुरू कर देती है। पर इंस्पेक्टर रोनन बोलता है कि ये तरीका काम नहीं आएगा क्योंकि वो एक शैतान की बीवी है और हम उसे चकमा नहीं दे सकते। अब तभी उस रूम की लाइट चली जाती है और एमा देखती है कि इंस्पेक्टर रोनन और सैबी डिमोनिक हो चुके हैं। और तभी एक कौवा वहाँ पे आ जाता है और एमा की आँख नोच लेता है और एमा जाग जाती है। अब एमा सैबी और रोनन से पूछती है कि अभी अभी क्या हुआ था, और वो दोनों बताते हैं कि एमा अपने आप ही 2 मिनट के लिए बेहोश हो गई थी। अब एमा देखती है कि उसने अपनी बुक में कुछ ऐसा लिख दिया है जो वो लिखना ही नहीं चाहती थी, और इसका मतलब एमा मैरियन को अपनी बुक के अंदर भी नहीं मार सकती। और फिर एमा बोलती है कि हम मैरियन को इंस्पेक्टर रोनन के तरीके से मारेंगे। अब अगले दिन एमा इंस्पेक्टर रोनन के साथ मैरियन को हराने निकल जाती है और वो सैबी को वापस भेज देती है क्योंकि वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अब एमा और इंस्पेक्टर रोनन समुंदर के किनारे खड़े होते हैं, जहाँ पे एमा इंस्पेक्टर रोनन को लाइट हाउस वाला स्कूल दिखाती है जो लूसी के मरने के बाद से ही बंद है। और इंस्पेक्टर रोनन बोलता है कि हम मैरियन को उसी जगह पे हराएंगे।
अब वहाँ पे आर्नोड, अरोर और सैबी आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि वो मैरियन को हराने में हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि मैरियन ने उन सबसे कुछ ना कुछ छीन लिया है। अब वो सब जाते हैं लाइट हाउस वाले स्कूल में, जहाँ पे वो सब उसी रूम में जाके रिचुअल की तैयारी करते हैं जहाँ पे पहली बार बच्चों ने मैरियन को बुलाया था। अब इंस्पेक्टर रोनन मैरियन को हराने का प्लान बताता है, और वो ये होता है कि सबसे पहले इंस्पेक्टर रोनन मैरियन को इन्वोक करने वाला सिंबल दीवार पे बनाएगा, और फिर इंस्पेक्टर रोनन मैरियन को उसका असली नाम लेके बुलाएगा, और उसके असली नाम को यूज करके मैरियन को वो अपने वश में कर लेगा। और जब मैरियन इंस्पेक्टर के कंट्रोल में होगी तो वो उसे एक जानवर के अंदर डाल देगा, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब एमा और अरोर उस जानवर को लेके आते हैं, जो होता है फादर जेवियर का कुत्ता, और फिर सब रिचुअल के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और फिर इंस्पेक्टर रोनन एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, और फिर मैरियन के असली नाम को यूज़ करके उसे समन करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे से बुक का चैप्टर नंबर 11 सियांस शुरू होता है। अब इंस्पेक्टर रोनन बार बार मैरियन बेसलिन को आवाज़ लगाता है, पर कुछ भी नहीं होता। और फिर एमा देखती है कि इंस्पेक्टर रोनन के पीछे वाला कबर्ड का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगता है, और फिर एमा को अपना पास्ट याद आने लगता है। पर तभी अरोर एमा को आंखें बंद करने के लिए बोलती है। अब बहुत देर हो जाती है, पर मैरियन वहाँ पे नहीं आती। और अब इंस्पेक्टर रोनन बोलता है कि शायद मेरा प्लान भी काम नहीं करा, अगर मैरियन मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा, और फिर इंस्पेक्टर रोनन भी हार मान लेता है। अब सब लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और सैबी बोलता है कि मेरे बेटे को हम वापस कैसे लाएंगे, और अर्नोड बोलता है कि हम टोनियो को कैसे बचाएंगे, पर एमा बोलती है कि चिंता मत करो, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। अब वो सब सोचते हैं कि वो मैरियन को हराने का तरीका कल सोचेंगे, और फिर अरोर जाके कुत्ते को स्टोर रूम में बांध आती है, और वो सब सोने की तैयारी करने लगते हैं। और यहाँ से बुक का चैप्टर नंबर 12 द डे बिफोर यस्टरडे शुरू होता है। अब यहाँ से सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पे एमा और अरोर हॉस्पिटल में मिस्टर लार्समन और कमील के साथ होते हैं। अब वो दोनों जब रूम से चले जाते हैं तो मिस्टर लार्समन को होश आ जाता है, और जब मिस्टर लार्समन कमील की तरफ देखते हैं तो कमील मिस्टर लार्समन को ही घूर रही होती है, और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि मैरियन ने अब कमील को पोजेस कर लिया है, और फिर मिस्टर लार्समन डरने लगते हैं। अब हमें सियांस वाले सीन से एक दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे मिस्टर लार्समन जब सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि सैबी और नर्स सैबी के बेबी की रूम की तरफ भागकर जा रहे हैं। अब मिस्टर लार्समन देखते हैं कि कमील अपने बेड पे नहीं है, और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि कमील ने ही सैबी के बेबी को किडनैप करा था। अब कमील वापस रूम में आती है, जो बिल्कुल डिमोनिक लग रही थी। अब कमील मिस्टर लार्समन को देखकर हंसती है और अपने बेड पे जाके फिर से सो जाती है। अब हमें सियांस वाले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक नर्स मिस्टर लार्समन को चेक कर रही होती है, पर तभी पोजेस्ड कमील उठकर खड़ी हो जाती है और वो नर्स पे अटैक करने वाली होती है। पर तभी दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रोनन सियांस के वक्त मैरियन बेसलिन को आवाज़ लगा रहा होता है, और अब कमील रुक जाती है। अब जब नर्स पीछे मुड़कर देखती है तो कमील हवा में उड़ने लगती है, और उसके मुंह में से मैरियन बाहर निकल जाती है, और कमील नॉर्मल होकर बेहोश हो जाती है, और वो नर्स बुरी तरह डर जाती है। अब वापस सीन लाइट हाउस में जाता है, जहाँ पे आर्नोड और अरोर एक कार में सो रहे होते हैं, जहाँ पे अरोर आर्नोड को बताती है कि वो उससे बचपन से प्यार करती है, पर आर्नोड को ये बात अजीब लगती है और वो अरोर से नाराज हो जाता है, और अरोर भी दुखी होके वहाँ से चली जाती है। अब अरोर फादर जेवियर के कुत्ते को पानी पिलाने जाती है, पर जब अरोर वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे कुत्ता नहीं होता, और अरोर डर जाती है। अब लाइट हाउस के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे इंस्पेक्टर रोनन अपना प्रोटेक्शन वाला लॉकेट उतार देता है। अब इंस्पेक्टर रोनन को अपने आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है, और फिर उसको एक अंधेरे कमरे में से मैरियन की आवाज़ सुनाई देती है, जो इंस्पेक्टर को बोलती है कि मैं इस रूम के अंदर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ। और अब इंस्पेक्टर रोनन जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे मैरियन खड़ी होती है, जो उसे बुरी तरह डरा देती है। अब तभी अरोर और अर्नोड रूम में आ जाते हैं, और वो बताते हैं कि किसी ने फादर जेवियर के कुत्ते को छोड़ दिया है, और अब एमा और सैबी भी जाग जाते हैं। अब इंस्पेक्टर रोनन बोलता है कि उसने अभी अभी मैरियन को यहाँ पे देखा, और इसका मतलब मैरियन यहाँ पे आ चुकी है, और वो जरूर हम में से किसी एक के अंदर है।
अब अर्नोड अरोर पे ब्लेम करता है कि वो ही मैरियन है और उसी ने कुत्ते को खोला होगा, पर तभी इंस्पेक्टर रोनन एक गन निकालता है और बोलता है कि उस कुत्ते को अरोर ने नहीं, मैंने खोला था और फिर मैं इस रूम में आके बैठ गया और मैंने अपना प्रोटेक्शन वाला लॉकेट उतार दिया और मैरियन पूरे टाइम मेरे दिमाग के अंदर थी और इसका मतलब मैं पोजेस्ड हूँ। अब जैसे ही इंस्पेक्टर रोनन को रियलाइज़ होता है कि वो पोजेस्ड है, तभी मैरियन उसे कम्प्लीटली पोजेस कर लेती है और इंस्पेक्टर रोनन डिमोनिक हो जाता है। अब मैरियन इंस्पेक्टर रोनन के अंदर से बोलती है कि मैं एक एक करके तुम सबको पोजेस कर लूँगी और तुम सबको मार डालूँगी, बिल्कुल इस इंस्पेक्टर की तरह। और फिर पोजेस्ड इंस्पेक्टर रोनन खुद के सर में गोली मार देता है और सब लोग चिल्लाते हैं और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मैरियन वेब सीरीज़ के एपिसोड 6 मेमोरीज़ की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये एपिसोड समझ आ गया होगा। एपिसोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।